तो आज हम एक ऐसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एडवेंचर और टूरिंग के मामले में जबरदस्त है। आधे लोगों को तो पता चल गया होगा इस बात से। तो इसी नोट पे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज महेश, वेलकम टू माय MSP यूट्यूब चैनल। दी ब्रांड न्यू 2021 लिमिटेड एडिशन GS&GS R1250 के बारे में बात करेंगे। तो GS&GS का हिस्ट्री में थोड़ा चले जाते हैं। GS&GS 1980s में R80 विथ 797 cc फ्लैट ट्विन बॉक्सर इंजन के साथ लॉन्च हुआ था। मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन बेरलिन जर्मनी बाय BMW मोटर आर्ट। 2021 में इसका लिमिटेड एडिशन लॉन्च हुआ है। GS&GS R1250 का 1254 cc लिक्विड कूल इन टू सिलेंडर बॉक्सर इंजन विथ 4 वाल्व्स पर सिलेंडर, VVT मतलब वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। टॉप स्पीड इसका कुछ 210 तक चले जाता है और 134 हॉर्स पावर एट 7750 RPM एंड 143 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 6250 RPM। और इसका 6 स्पीड गेयर बॉक्स ट्रांसमिशन है। और एक बात बता दूँ, इसमें चेन नहीं है, इसमें शाफ्ट ड्राइव है। इधर कहीं मैं पिक्चर डाल दूँगा, ट्रक में जो आता है उसको शाफ्ट ड्राइव बोलते हैं। और फ्रंट में एंड रियर में जो सस्पेंशन है वो फुल्ली एडजस्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। और इसमें स्पोक्ड और एलॉय ट्यूबलेस व्हील मिलता है। और GS&GS में बहुत सारी राइडिंग मोड्स है, रोड रेन डायनामिक, डायनामिक प्रो, एंड्यूरो, एंड्यूरो प्रो और एक इको मोड भी अब दे दिया है कंपनी ने। और GS&GS में 3 चेंजेस है। GS में आपको छोटा वाला विंड स्क्रीन मिलता है और GS में बड़ा वाला विंड स्क्रीन मिलता है। और GS का टैंक कैपेसिटी है 20 लीटर और GSA का 30 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। GS का पेनियर के लिए माउंट नहीं मिलता है और GSA का कंपनी फिटेड ही उसका माउंट आता है। और एंड में इसका प्राइस बता दे तो 2021 में इसका एक शोरूम प्राइस है GS का 21 लाख और GSA का प्राइस 23 लाख। और आपको ये जर्मनी वाला बाइक कैसा लगा कमेंट कर दीजिए। और आपको ये इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नई ब्लॉग के साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ महेश। बाय बाय।